जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूँ सिद्रा फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एकेडमी। आज हम लेसन नंबर 2 करेंगे, हाउ टू टीच ऑनलाइन कुरान पाक। तो इसके लिए आज मैं आपको जूम ऐप का यूज़ बताऊंगी कि मेन वो जो फीचर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं जूम ऑनलाइन कुरान टीचिंग में, उस जूम ऐप के उन फीचर्स की हम आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से जूम ऐप, ये इजीली, इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं होती। इजीली आप गूगल पे जाएंगे और जूम लिखेंगे, जूम मीटिंग ऐप, तो वो आ जाती है और फ़ौरन से डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोडिंग होने के बाद वो जब डाउनलोडिंग हो जाती है तो आपकी स्क्रीन पर आ जाती है कुछ इस तरह से, ये जूम ऐप है। तो जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करते हैं इसको ओपन करने के लिए, तो फिर देखते हैं उसमें भी दो ऑप्शंस आया करते हैं। एक तो होता है उसमें जूम मीटिंग का और दूसरा होता है साइन इन का। तो आपने साइन इन के ऑप्शन में क्लिक करना होता है, अपना पहले अकाउंट बनाना होता है। तो अभी मैंने इसको क्लिक किया हुआ है, ये हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, चलें देखते हैं ये जैसे ही ओपन होती है। तो साइन इन के ऑप्शन के बाद फिर जो होम का जो इंटरफेस हमारे पास आता है वो मैं इंशाल्लाह और अज़ीज़ आपको शो ऑफ करवाऊँगी। तो ऑनलाइन कुरान टीचिंग बेस्ट है, और इसके अलावा लोग साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ों को भी टीच करवाते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी टीच करवाते हैं। तो जूम मीटिंग जो है वो बेस्ट है प्रोफेशनली, अगर आप मीटिंग्स कर रहे हैं या लेक्चर्स दे रहे हैं तो उसके लिए जूम मीटिंग इज़ द बेस्ट ऐप। इसको मैं फिर से क्लिक कर रही हूँ, यस, अब इसका इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। तो मैंने आया कि इसके ऊपर अपना आईडी दिया हुआ है, मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट होम पर आ गई हूँ। लेकिन आपने जब इसको क्लिक करना है फर्स्ट टाइम, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन को इतना मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट अपना जीमेल देना है और आपका साइन इन हो जाएगा, यस। तो इसके अलावा अब ये आ गया हमारा होम, आपने इनके ऑप्शंस को समझना है। फर्स्ट होम है मेल, कैलेंडर, टीम चैट, मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट्स, एप्स, वाइट बोर्ड्स एट्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फीचर को समझेंगे। यहाँ पर जो होम में हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर सबसे पहला है ये न्यू मीटिंग का, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। यस, इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे अब ये कैमरा है ना, इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आप स्टार्ट करेंगे तो विद वीडियो, अगर तो इस पर क्रॉस लगा है तो इसका मतलब है कि वीडियो आपकी नहीं जाएगी। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर टिक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्रॉस ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि आप स्टार्ट करेंगे वीडियो के साथ। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप स्टार्ट में वीडियो वाला ऑप्शन को इस तरह से कैंसिल ही किए रखें, इसको क्रॉस किए रखें। ओके जी, ये हमारी मीटिंग आईडी होती है, यहाँ पर जो शो हो रही होती है ना, आपको पता होगा जूम मीटिंग के लिए आईडी देना ज़रूरी होती है। ये आईडी जब आपने किसी की मीटिंग में इन होना है तब भी रिक्वायर होती है, और अगर आपने मीटिंग अरेंज करनी है यानी आपने क्लास लेनी है तो उसके लिए भी आप ये मीटिंग आईडी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इधर टिक लगाने का मकसद ये होता है, यहाँ पर जिस तरह से क्लिक ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने लगाया था, ये देखें, अगर ना लगा हो तो इसमें ना ये चेंज हो जाता है, जो हमारा मीटिंग आईडी का नंबर है ये चेंज होते रहते हैं, वो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम बनती है कि हमें डेली सेंड करना होता है लिंक अपना व्हाट्सएप पर या जिसके थ्रू भी हम करें। तो अगर आप यहाँ पर टिक कर लेते हैं तो फिर हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं होती कि हमारा जो है लिंक आईडी चेंज हो रहा है या नहीं। ये हमारा 9044850486 ये मेरा सेम ही रहेगा इस क्लिक करने के बाद। ओके, नेक्स्ट है, इधर अगर देखें जाए तो यहाँ पर भी तीन ऑप्शन आ रही हैं, एक तो कॉपी आईडी है, कॉपी इनविटेशन है, पीएमआई सेटिंग है। कॉपी आईडी जो है ये अगर आप अपनी आईडी को कॉपी करके आपने जिन तक भी अपना ये जूम मीटिंग का लिंक भेजना है तो ये आप लिंक भेज सकते हैं इससे, ठीक है। ये आईडी कॉपी करके आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू या सेंड कर सकते हैं, तो जैसे ही वो इसको इन करेंगे जूम मीटिंग में तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मीटिंग में आ जाएंगे।
नेक्स्ट है ये होता है स्केड्यूल मीटिंग, के जैसे अब आपने स्टार्ट किया हुआ है कि मैंने फजर टाइम या 4 o'clock AM हमने क्लास लेनी है, तो उसके लिए हम पहले से स्केड्यूल बना लेते हैं। तो स्केड्यूल बनाने का भी फ़ायदा ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर हमारा लैपटॉप ऑन होगा, जब जूम ऐप होगा तो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए भी जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती है, जिस तरह से टॉपिक का आप नाम लिख लें, मेरा यहाँ पर हाफिज़ा सिदराज जूम मीटिंग लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्ट टाइम लिख लेते हैं, जिस तरह से यहाँ पर मंडे 2023 यानी आज का टाइम शो हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से ड्यूरेशन बता देना है, मीटिंग आईडी आपने बता देनी है या और जो भी आपके इसमें हो पार्टिसिपेंट्स बता देने हैं कि क्या क्या है, या आपने इसको स्केड्यूल करने के बाद आपने इसको सेव कर देना, तो आपकी मीटिंग स्केड्यूल हो जाएगी। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। इसके अलावा अब मैं आपको नेक्स्ट ले चलती हूँ ज्वाइन के अंदर, कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो फिर ये जो ज्वाइन मीटिंग होती है इसमें ये है कि आपने किसी की मीटिंग में ऐड होना है, तो वही जो मैंने आपको कहा था कि पर्सनल आईडी यहाँ पर रिक्वायर होती है। यहाँ पर आप जिसकी भी आप जो भी आपने क्लास लेनी होगी, आप जैसे इसकी पर्सनल आईडी को लिंक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगी। ओके, तो ये इसलिए होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये मेल का ऑप्शन है, ये फ़िलहाल अभी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें जो हमें अपने काम के लिए जो चीज़ें रिक्वायर है हम उसी को करेंगे। अब मैं आपको इसकी मज़ीद नेक्स्ट लेवल की शेयर होता है, इसके लिए भी आपको आईडी ज़रूरी देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर होम मेल कैलेंडर मीटिंग्स, मीटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। ले जी, मीटिंग के लिए ये मेरी आईडी यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताई थी वो भी आ गई है। रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होता है कि अगर आप मीटिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं ये देखें, तो ये स्केड्यूल मीटिंग का भी यहाँ पर भी ऑप्शन है। और एक मज़े की चीज़ जो है ये है कॉन्टैक्ट्स, यानी जिस तरह से हम अपने फ़ोन की सिम के ऊपर हम अपने कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं, यहाँ पर भी हम कॉन्टैक्ट्स को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐड करने के लिए जो हमें चीज़ रिक्वायर है वो मैं आपको भी बताती हूँ। कॉन्टैक्ट्स अगर हमने इसमें इन करने हैं, ऐड करने हैं, तो ये प्लस का आइकॉन है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। हमने इनवाइट करना है कि हमारा जूम जो है वो आप इनविटेशन भेजना है कि अपने कॉन्टैक्ट्स अंदर ऐड करने हैं, तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर तो नहीं यूज़ होता, यहाँ पर एक्चुअली ईमेल एड्रेस यूज़ होता है। आप किसी का भी जिसका आपको पता है, आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर जब लिखेंगे, जिस तरह से कोई भी आप राइट करते हैं, तो यहाँ पर फिर आप उसको सेंड कर सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं, अपनी मीटिंग में उसको बुला सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शंस आ जाता है, और ये वाइट बोर्ड आ जाते हैं, और अब मैं आपको मीटिंग स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये देखेंगे, ये कॉपी इनविटेशन, यानी कि जो आपका ये जो पर्सनल मीटिंग आईडी है इसको आप कॉपी इनविटेशन करके आप उनको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फिर से होम की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम जी, तो जूम मीटिंग का आपको मैंने जहाँ तक ये बता दिया हुआ है, तो ये थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार डाउनलोड भी कर लीजिएगा और अपने साइन इन हो जाइएगा और इनको ज़रा रिव्यू कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको इसके मज़ीद जो आइकॉन्स हैं, जो कॉल स्टार्ट होने के बाद एनोटेशन का ऑप्शन और शेयर स्क्रीन का ऑप्शन और वाइट बोर्ड और सच लाइक दैट, इस तरह के जो जो भी ऑप्शन आएंगे वो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसलिए आपने बस ये है कि आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करते जाना है, फॉलो करते जाना है, और आपने कमेंट में रिव्यू भी देते जाने हैं। तो जज़ाकअल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।